दोस्तों क्या आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं? तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों जब अपना ईमेल आईडी आप बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उस समय आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड इतना हल्का रख लेते हैं जैसे 128 या आप अपने मोबाइल नंबर का ही पासवर्ड बना लेते हैं, तो ऐसे में आपका दोस्त आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड जान जाता है या आप खुद ही बता देते हैं आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड, तो वो अपने मोबाइल में लॉग इन करके आपके ईमेल आईडी का गलत फायदा उठाता है और आपके मोबाइल का सभी फोटो वीडियो जो वो अपने मोबाइल पे देखता रहता है। तो ऐसे में दोस्तों आप उसके मोबाइल से ईमेल आईडी कैसे लॉग आउट कर सकते हैं और आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो प्लीज दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्थाक और आप देख रहे हैं टेक्निकल हेल्पर। दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए जिससे हमारा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और अपने दोस्तों के मोबाइल से कैसे अपने ईमेल आईडी को लॉग आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली अपने ईमेल में चले जाना होगा। दोस्तों आपको ऐसा ईमेल का आइकन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो दोस्तों आपको इस 3 डॉट पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में जितना भी ईमेल आईडी होगा सब यहाँ शो होने लगेगा। दोस्तों आप जिस ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ माई अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों आपको यहाँ राइट स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहाँ आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पासवर्ड यानी पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुला, तो दोस्तों यहाँ आपको ओल्ड पासवर्ड डालना है, जो आपका पहले से पासवर्ड है वो डालना है। चलिए दोस्तों मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ न्यू पासवर्ड डालना है। देखिए दोस्तों यहाँ न्यू पासवर्ड डालना है, तो दोस्तों यहाँ कन्फर्म पासवर्ड डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। दोस्तों आपका न्यू पासवर्ड बन जाएगा, तो इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मुझे तो चेंज नहीं करना है, इसलिए मैं आपको बताया है सिर्फ हूँ, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप अपने दोस्तों के मोबाइल से कैसे अपना ईमेल आईडी को लॉग आउट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस सिक्योरिटी वाला ऑप्शन पे ही रहने देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ देखिए योर डिवाइस दिख रहा है। दोस्तों देखिए मेरा ईमेल आईडी 2 मोबाइल में लॉग इन है, तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ ऑनर 7A से मैं अपने ईमेल आईडी को लॉग आउट करना चाहता हूँ, तो इसमें यहाँ पे मैनेज डिवाइस पे क्लिक करना है। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यह कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो दोस्तों आपको इस 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ सिंक आउट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको सिंक आउट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका यह सक्सेसफुली सिंक आउट हो गया। देखिए दोस्तों यह सिंक आउट हो चुका है। तो दोस्तों तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए जिससे हमारा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।